ग्वालियर पुलिस ने हत्या और हत्या के तीन प्रयास के मामले में फरार चल रहे 10,000 रुपये की इनामी बदमाश को गिरफ्तार करके उसका गांव में जुलूस निकाला है, जहां फरियादी के घर बाहर बने मंदिर के पास पहुंचकर आरोपी ने हाथ और सर झुकाकर की माफ़ी मांगी और फिर दोबारा से बंदूक नहीं उठाने की कसम भी खाई। आरोपी के पास से पुलिस ने एक अधिया बंदूक और कमर के पट्टे से 7 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। यहां आरोपी काशीपुर गांव में पिता पुत्र को गोली मारकर जंगल में छुप गया था। वहीं पुलिस आरोपी के खिलाफ में कार्रवाई में जुटी हुई है। दीपावली को काशीपुरा गांव में थाना उटीला में फायरिंग की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी और मैं एडिशनल एसपी अमृत मीणा सर मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, एक आरोपी फरार था, जिस पे पुलिस अधीक्षक महोदय ने 10,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया था। पूरे परिवार में 3 भाइयों पर का आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके खिलाफ 3 हत्या का प्रयास, 1 हत्या, बलवा और चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं। ये फरार था और बार बार पीड़ित पक्ष को धमकी भी दे रहा था कि खेती नहीं करने दूंगा, तो उन लोगों से शिकायत भी मिली थी कि हम गांव छोड़ रहे हैं। तो मौके पर जाकर माइक साहब मैंने थाना प्रभारी ने समझाया।